हाय व्यूअर्स, वेलकम टू अरुण जूनियर। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ के चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड के एक टॉपिक फंक्शनल ग्रुप को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस वीडियो और इस चैप्टर से रिलेटेड डिटेल नोट्स हमारी वेबसाइट www.learnnewi.com पर ईजिली अवेलेबल हैं। अब जैसा कि हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अनरिएक्टिव होते हैं, पर इन अनरिएक्टिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अगर हम किस तरीके का एटम या ग्रुप ऑफ एटम को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उनसे जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिलता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या हुई, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइडेड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अभी हमारे पास कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हेलो ग्रुप और हेलोजन ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्सेट्रा। अभी सबसे पहले है हेलो ग्रुप या हेलोजन ग्रुप। हेलो ग्रुप कैन बी क्लोरो, ब्रोमो या आयडो, डिपेंडिंग ये डिपेंड करता है क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन एटम जो कि लिंक होता है कार्बन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। क्लोरो ग्रुप इज प्रेजेंट इन द क्लोरोमीथेन CH3 विद सिंगल Cl। ब्रोमो ग्रुप इज प्रेजेंट इन ब्रोमोमीथेन। आयडो ग्रुप इज प्रेजेंट इन आयडोमीथेन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, हैलोजन। सो द क्लोरो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप एंड आयडो ग्रुप आर कॉल्ड एज हेलो ग्रुप एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल सिंबल ऑफ एक्स। एक्स कैन बी क्लोरो, ब्रोमो और आयडो। Now the second one is haloalkane. When one hydrogen atom or an alkane is replaced by a halogen atom, we get haloalkane or also called halogen haloalkane. इसका example क्या रहेगा, जब एक hydrogen atom methane का replace किया जाएगा chlorine atom से तो हमें क्या मिलेगा, chloromethane. इसका methane का chemical formula क्या है, CH4. जब इसमें replace होगा एक hydrogen atom chlorine से तो हमें क्या मिलेगा, CH3Cl chloro मीथेन और अ हेलो एल्केन। क्लोरोमीथेन और क्या है, ये हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ, Cl H2n+1, इसमें कि ऊपर क्या है माइनस एक्स, एक्स का रिप्रेजेंट करेगा क्लोरो, ब्रोमो या आयडो को। यहाँ हम बात करते हैं IUPAC मेथड से C3H7Cl का नोमेनक्लेचर। इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, तीन कार्बन एटम। सो इट्स पेरेंट्स एल्कीन क्या हुई, प्रोपेन, एंड इट्स ऑल एंड इट हैज़ अ क्लोरो ग्रुप क्योंकि इसमें Cl है माइनस एक्स की जगह। तो IUPAC नेम इसका क्या हुआ, C3H7Cl बिकम क्लोरो प्रोपेन। सेकेंड वन इज एल्कोहल। एल्कोहल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम। द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल। The hydroxyl group attached to a carbon atom is known as alcohol group. तो दो सिंपल एल्कोहल जो हमें कॉमनली मिलते हैं वो कौन से हैं, मिथाइल एल्कोहल CH3OH जिसे यूजुअली या जनरल नेम में कहा जाता है मिथेनॉल, और सेकेंड है इथाइल एल्कोहल C2H5OH जिसे जनरली कहा जाता है इथेनॉल। एन एल्कोहल इज एक्चुअली अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। तो इसमें क्या रहेगा, एल्कोहल कैन बी सपोज टू बी ड्राइव बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन बाय हाइड्रोक्सिल या OH ग्रुप। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, मीथेन, जहाँ पे CH4 जो मीथेन का केमिकल फॉर्मूला है, इसमें से जो एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा OH से तो हमें क्या मिलेगा, CH3OH मिथाइल एल्कोहल। जनरल फॉर्मूला जो एल्कोहल का है वो क्या है, CnH2n+1OH। अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर के थ्रू प्रोपाइल अल्कोहल के नाम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। C3H7OH को बाय IUPAC मेथड से हम कैसे ड्राइव करेंगे, CH3OH कंटेन 3 कार्बन एटम, तो उसका पेरेंट एल्कीन क्या रहा, प्रोपेन। इट ऑल्सो कंटेन अल्कोहल ग्रुप OH जिसे हम कहते हैं, विच इज इंडिकेटेड बाई यूजिंग OL एज एंडिंग। सो रिप्लेसिंग द लास्ट ई ऑफ प्रोपेन बाय OL the name become propanol. So the IUPAC name of C3H7OH का क्या रहेगा, propanol. Now the aldehydes. Aldehydes are the carbon compound containing an aldehyde group CHO.
अटैच टू द कार्बन एटम। दो सिंपल एल्डिहाइड कौन कौन से हैं अपने यहाँ, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO विच इज ऑल्सो वेरी कॉमनली कॉल्ड मिथेनल, एंड एसिड एल्डिहाइड CH3CHO जिसे कि हम एक कॉमनली नाम से जानते हैं इथेनल। जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड का क्या रहता है, CnH2nO वेयर n क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं CH3CH2CHO का IUPAC मेथड से नेमिंग का। CH3CH2CHO कंटेनिंग थ्री कार्बन एटम, तो उसका पेरेंट एल्कीन कौन सा हुआ, प्रोपीन। इसके अलावा CH3CH2CHO के अंदर उस एल्डिहाइड ग्रुप CHO भी एडेड होता है विच इंडिकेट बाय राइटिंग AL एज अ सफिक्स और एंडिंग। सो बाय रिप्लेसिंग द लास्ट ई ऑफ प्रोपेन बाय AL वी गेट द प्रोपेनॉल या प्रोपेनल। थर्ड द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2CHO को क्या कहेंगे हम, प्रोपेनल। नेक्स्ट वन इज कीटोन्स। कीटोन्स आर द कार्बन कंपाउंड और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द कीटो ग्रुप CO ग्रुप। कीटोन्स में एक चीज नोट करने वाली ये है, द कीटोन ग्रुप ऑलवेज ऑकर इन द मिडल ऑफ कार्बन चेन। सो क्या रहेगा, कीटोन मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट थ्री कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल, वन कार्बन एटम ऑफ कीटोन ग्रुप एंड टू कार्बन एटम ऑफ इट्स टू साइड। तो देर कैन बी नो कीटोन विदाउट लेस देन थ्री कार्बन एटम। तो कीटोन का सबसे सिंपल जो कंपाउंड है वो कौन सा है, एसीटोन, जिसका कि केमिकल फॉर्मूला है CH3COCH3, जो कि बेसिकली नोन है प्रोपेनॉन के नाम से। जनरल फॉर्मूला कीटोन का क्या है, CnH2nO, जो कि n क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन। अब हम IUPAC मेथड के थ्रू CH3COCH3 का कंपाउंड नेम निकालेंगे। CH3COCH3 कंटेन थ्री कार्बन एटम, सो इट्स पेरेंट एल्कीन इज प्रोपेन, जैसा कि वेल नोन है। नाउ CH3COCH3 कंटेन अ कीटोन ग्रुप जिसे हम क्या कहेंगे, CO, विच इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग वन एस एंडिंग। By replacing the last E of propane by one is we can get propanon, या propane plus one is equal to propanon। Thus तो IUPAC name CH3COCH3 का क्या रहेगा, propanon। Last one is carboxylic acid of organic acid। The carbon compound or an organic compound containing carboxylic acid group या COOH group is called carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉमनली नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। द अनदर नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एल्कोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड जो है ये तीन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्मिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है HCOOH, विच इज ऑल्सो नोन एज मिथेनॉइक एसिड। जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCOOH, जहां पर R क्या रहेगा, एल्काइल ग्रुप विच इज मिथेनल या इथाइल। अब हम IUPAC मेथड के थ्रू CH3CH2COOH का कंपाउंड नेमिंग करेंगे। इस कंपाउंड के अंदर आप देख रहे हैं कि तीन कार्बन एटम है, तो इसका भी पेरेंट एल्कीन कौन सा है, प्रोपेन है। इट ऑल्सो कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH, तो उसका नेम में जो उस प्रोपेन का लास्ट जो ई है उसको हटा के हम क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, विच गिव अस अ नेम, प्रोपेनोइक एसिड। तो CH3CH2COOH का एक्चुअल IUPAC नेम के थ्रू क्या बना, प्रोपेनोइक एसिड।